लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज समीक्षा बैठक करेंगी और लखनऊ में मायावती ने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जिले के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मायावती अपने भाई अनंत कुमार को भी जिम्मेदारी दे सकती हैं। सुबह 11 बजे से मॉल एवेन्यू स्थित बीएसपी के पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक होगी। क्या आकाश आनंद एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि मायावती ने आकाश आनंद को पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। करीब 1.5 महीने पहले उन्हें पार्टी से साइडलाइन कर दिया गया था। बीएसपी ने शुक्रवार को दोनों राज्यों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की और इन सूचियों में पहले नंबर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और दूसरा नाम आकाश आनंद का है। लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से साइडलाइन किए गए आकाश आनंद को मायावती ने फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है। मायावती ने उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाया है। उत्तराखंड की 2 सीट मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। आकाश आनंद पर मायावती ने 7 मई को कार्रवाई की थी। सवाल ये है कि आखिर आकाश आनंद को मायावती ने हटाया क्यों था? इसके पीछे की वजह आकाश आनंद के आक्रामक तेवर को माना गया था। दरअसल 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में आकाश आनंद ने आपत्तिजनक बयान दिया था। सीतापुर रैली के बाद मायावती ने कार्रवाई की। पहले 1 मई को औरैया और हमीरपुर की रैली रद्द की गई, फिर आकाश आनंद को पार्टी से साइड किया गया, उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया। आक्रामक तेवरों से लोकप्रिय हुए थे आकाश आनंद। आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। जिस समय मायावती ने आकाश आनंद पर कार्रवाई की थी उस समय मायावती ने क्या कहकर उन्हें हटाया था ये भी बताते हैं। बीएसपी बाबा साहेब के सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है, इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अन्य लोगों के साथ आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन पार्टी और मूवमेंट के हित में पूर्ण परिपक्व होने तक आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है। सीतापुर में आकाश आनंद के भड़काऊ बयान के बाद उन पर केस दर्ज हुआ था। पार्टी ने आकाश आनंद पर एक्शन लिया था। भड़काऊ बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था। आकाश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पार्टी के 3 प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था। नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर बैठाए गए आकाश आनंद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। महज 5 महीने में ही मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपना उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी। लेकिन अब उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाकर दोबारा वापसी करवाई है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद आकाश आनंद को रखा गया है। करीब 1.5 महीने बाद आकाश की पार्टी में वापसी हो रही है। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद अपने भाषणों के लिए काफी चर्चा में आए थे। उनके भाषण को लेकर केस भी दर्ज हुआ था, जिसके बाद मायावती ने उन पर एक्शन भी लिया था। इसे उनके राजनीतिक करियर के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब आकाश आनंद एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बरेली में कल प्लॉट पर कब्जे को लेकर फायरिंग हुई और आगजनी हुई। इस मामले में आरोपी ललित को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी को जब रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान आरोपी को ललित के पैर में गोली लगी है। कलापुर नहर अड्डूपुरा मोड़ से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। ललित पर 12 मामले दर्ज है। आज रात्रि में इज्जत नगर पुलिस के द्वारा सुबह हुई फायरिंग की घटना के संबंध में मुलजिमानों की तलाश की जा रही थी।
कलापुर नहर में पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया जिसके पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फील्ड यूनिट बुलाकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में गैस रिफिलिंग करते वक्त दुकान में भीषण आग लग गई और आरोप के मुताबिक दुकानदार कार में अवैध रूप से गैस भर रहा था। आग से दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई है और गैस को रिफिलिंग करते वक्त यह हादसा हुआ है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से भीषण आग लगी है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। पूर्वांचल के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, बारिश भी नहीं हो रही है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से थोड़ी सी निजात मिले। ऐसे में इंद्र भगवान को खुश करने की खातिर वाराणसी में एक अनोखा उपाय किया गया, शहनाई बजाकर बारिश की कामना की गई। देखिए भोले की नगरी काशी में इस बार प्रचंड गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब पारा 40 डिग्री के नीचे आया है। लोग अब मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाए इसके लिए पवित्र गंगा नदी में खड़े होकर शहनाई वादकों ने प्रसन्न करने की कोशिश की। शहनाई की धुन छेड़कर बारिश की कामना की है। गर्मी से बेहाल है लोग, इसलिए मैं भगवान बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके चलता हूँ मंदिर से। माँ गंगा का चरण छू के मैं प्रणाम करता हूँ, उनको माला फूल अगरबत्ती जला करके भगवान इंद्र को मैं समर्पित करता हूँ और भगवान इंद्र से विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी मैंने प्रार्थना किया कि हे नाथ बारिश कम से कम हो जाए, जो काशी की जनता ने पूरे देश की जनता को राहत मिले किसान। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू का असर कम हुआ है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी अभी बनी रह सकती है। कहा जा रहा है कि 24 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50% जगहों पर बारिश होगी। 26 जून से मॉनसून के आने की संभावना है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। 26 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी के कई शहरों में पिछले 2 से 3 दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज यूपी में कई जगहों पर बारिश से जनता को थोड़ी सी राहत मिली है। पिछले 1.5 महीने से सूरज जलाने पर आमादा था, लेकिन अब कुछ दिनों से पारा थोड़ा नीचे आया है जिससे कई जगहों पर बारिश भी देखने को मिली है। राहत की ये फुहारें बरस रही हैं रामनगरी अयोध्या में। अयोध्या में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है जिससे अयोध्या वासियों को बारिश ने गर्मी से निजात दिलाने का काम किया है। जो पारा 42 डिग्री से ऊपर चला गया था अब 36 से 37 डिग्री के बीच पहुंच गया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अयोध्या में शुक्रवार रात से ही आसमान में बादल छाए थे, हवाएं भी चल रही थी, लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अयोध्या के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में बारिश देखने को मिली है, कहीं कम कहीं ज्यादा बारिश हुई है। पिछले दिनों ताज नगरी आगरा में तापमान 47 डिग्री के पार चला गया था, लेकिन अब यहाँ भी मौसम में बदलाव हुआ है। सुबह से ही कहीं बादल दिखे तो कहीं जोरदार बारिश हुई। बदले मौसम के बीच लोग मस्ती करते हुए भी देखे गए।
आगरा में इस बार जबरदस्त गर्मी पड़ी है। गर्मी ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, लेकिन अब मौसम ने करवट ली है। लोगों का कहना है कि अभी आगरा में और बारिश की दरकार है। पिछले 3-4 दिन से अभी थोड़ा सा कुछ नमी आई है, ठंडा मौसम हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। अपने करीब 1 घंटे बारिश हुई लगभग, बहुत अच्छा लगा। कुछ नमी आई मौसम में, अच्छा लगा है। 2-4 दिन और बारिश हो जाए तो और अच्छा लगेगा। शाहजहांपुर में दोपहर अचानक मौसम बदला, बादलों के आने से तापमान में गिरावट आई है। वहीं तेज हवाओं के साथ बादलों के छाने से मौसम सुहाना हो गया। हल्की बारिश होने से हीट वेव से लोगों को राहत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 से 30 जून तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ में कई जगहों पर बारिश हो रही है और जल्द ही मानसून की उत्तराखंड में एंट्री होने वाली है, लिहाजा मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन के आगे मानसून से निपटने की चुनौती है। कुमाऊं कमिश्नर ने मौसम को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं मंडल के सभी डीएम को तेज बारिश से पहले नालों की सफाई के साथ पहाड़ी इलाकों में कलमट को खोलने को कहा गया है, तो संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीन मानसून के दौरान 24 घंटे तैनाती को कहा गया है। वहीं आपदा संभावित इलाकों में राशन दवा के साथ कनेक्टिविटी को बनाए रखने को कहा गया है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को मॉनसून की एसओपी पर अमल करने के लिए कहा गया है। क्षेत्रों में नाले खुले रहें, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कलवर्ट से ये खुले रहें और नालियां साफ हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही बनती है सड़क के डैमेज का भी और सड़क बंद होने का भी। सेकेंडली, इस बार वनाग्नि बहुत ज्यादा हुई है काफी जगह, तो वनाग्नि की वजह से ऊपर की हमारी जो सॉइल लूज हो गई है, काफी जगहों पे स्लाइड्स हो सकते हैं, तो उन जगहों को पहले से चिन्हित करना होगा। वहां पे आसपास हमारी जेसीबीज होनी चाहिए। पहाड़ के गांव भी इन दिनों प्रवासियों के लौटने से गुलजार हैं। कोरोना काल के बाद अब हर साल प्रवासी अपने गांव का रुख कर रहे हैं। देखिए, पहाड़ में इन दिनों रौनक बढ़ी हुई है। पूरे साल सुनसान और बंद रहने वाले घर आंगन में बच्चों के खेलने का शोर है, वहीं स्थानीय मंदिरों में प्रवासियों की भीड़ है। लोकल मार्केट भी इससे गुलजार है। दरअसल बच्चों की छुट्टियों में प्रवासी लोग पहाड़ आते हैं। आजकल हम पूजा पाठ के लिए गर्मियों की छुट्टियों में घर आए हैं। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इधर का, और साल भर में एक ही बार आना होता है। इसी टाइम बच्चों की छुट्टियां भी रहती है और पूजा पाठ का टाइम भी रहता है। शहरों में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने भी उत्तराखंड के प्रवासियों को गांव के घर आंगन के बारे में सोचने को मजबूर किया है। कुछ समय पहले तक जो लोग घर खेत बेचकर महानगरों का रुख कर चुके थे, अब वही लोग पहाड़ में अपने घर आंगन को संवार रहे हैं। कह रहा हूँ, मैंने भी वहाँ छोड़ के अपने घर में दोबारा बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, जो बाहर गए हुए हैं गांव छोड़ के, वो गांव आ जाए। यहाँ बहुत राहत है, हरियाली है, ठंडा ठंडा मौसम है, जैसे कि हर तीसरे दूसरे दिन बारिश हो ही जा रही है। लोगों के लिए भी सबक है, जो लोग पूरी तरह से यहाँ मंदिर छोड़ गए थे अपने मकानों को, तो वो इस समय पछता रहे हैं कि काश यदि हमने थोड़ा सा उनको मेंटेन किया होता तो कम से कम गर्मी के दिनों में तो हम यहाँ पहाड़ आते। कोरोना के बाद से पहाड़ों में एक ट्रेंड तेजी से बदला है और प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। दशकों से अपने पहाड़ों से दूर रहने वाले भी अब हर साल घर लौट रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और अगली खबर गाजीपुर से, जहां पर बिजली विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। दरअसल विभाग ने शहर के खोआ मंडी में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान इलाके में 15 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। संत कबीर नगर में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अवैध अतिक्रमण करके बैठे व्यापारियों से रास्ता खाली कराया गया। दरअसल सदर एसडीएम शैलेश दुबे और सीओ सदर ब्रिजेश सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हुए।